इज योर माइंड एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज सबसे पहली चीज जो बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं मे 23 में जो अटेम्प्ट देकर क्लियर नहीं कर पाए कि सर पेपर एक आधा टफ आया था जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनल में एसएफएम, सर इट वाज वेरी डिफिकल्ट मैं इतना अच्छा प्रिपेयर करके गया था मैं एग्जामिशन लाऊंगा ये सोच के गया था तीस मार्क आए मुझे आई हैव नेवर सीन अ पेपर लाइक दैट सिमिलरली फॉर इंटरमीडिएट आल्सो एक आधा पेपर स्टूडेंट्स ने ये सेम फेस किया एंड अब उनको डर बैठ गया कि सर एस की बुक टच करता हूं तो डर लगता है मे ट्वेंटी एग्जाम्स के पहले भी मैंने बोला था कि ऑलवेज एक्सपेक्ट इंस्टीट्यूट टू गिव डिफिकल्ट पेपर आप किस हिसाब से सोचकर जा रहे हो कि ईजी पेपर आ जाएगा नो एक्सपेक्ट दी वर्स्ट ऑफ वर्स्ट पेपर एंड प्रिपेयर फॉर इट मेनी पीपल गिव नेगेटिव कॉमेंट सर की आप डिमोटिवेट कर रहे हो आप ऐसे बोल रहे हो डरा रहे हो हम पढ़ रहे हैं लेकिन आप अब ऐसा बोल रहे हो कि टफ पेपर आएंगे आएंगे अब मैं आपको झूठ तो नहीं बोल सकता आपकी कंफर्ट के लिए एंड देन यू गो इन योर एक्सामिनेशन एंड देन यू क्रुएटअप कंप्लीटली थिंकिंग की ईजी आने वाला था या ठीक ठाक आने वाला था स्पेशली एबीसी एनालिसिस पहले मैं बोलता था बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमेंट करके बताते थे कि सर एबीसी एनालिसिस ऐसा बोल रहे हो यू डोंट वॉन्ट टू क्लियर लुक एट दी कॉमेंट सेक्शन नाउ थोड़े लोगों को बुरा लगे लेकिन जो समझदार है वो समझ जाएंगे एंड उसको अप्लाई करेंगे एंड वो रिजल्ट अपने आप देख लेंगे नवम्बर ट्वेंटी थ्री एग्जामिनेशन में भी एक्सपेक्ट वन ऑर अदर पेपर टू बी डिफिकल्ट अगर आपकी प्रिपेरेशन हंड्रेड परसेंट नहीं है डेन एक्सपेक्ट टू बी सरप्राइज एज सिंपल एज दैट गंदा लगेगा लगेगा बट वही सच्चाई है दोस्तों आई कैन शुगर कोड थिंग्स बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प यू क्लियर योर एग्जामिनेशन सो प्लीज बी प्रिपेर फॉर डिफिकल्ट पेपर ना कौन सा पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा किसी को भी नहीं पता इट माइट बी एनी ऑफ दैम इफ यू आर लक्की इट माइट बी नन ऑफ दैम बट देन आप जब वो पेपर देखो और आपको डिफिकल्टी लगे आप पैनिक नहीं करो आप रिलैक्स करके सोचो में कोशिश करता हूँ लिखने का बिकॉज इंस्टीट्यूट डिफिकल्ट पेपर जब देता है तो थोड़ा सा करेक्शन हल्का कर देता है दैट इज ऑल्सो नोन उसके ऊपर फाइनल के रिजल्ट बहुत खराब आए थे एट परसेंट बोध ग्रुपन परसेंट वन ग्रुप अगेन स्टूडेंट्स आर स्कैर्यड की वापस ऐसा हो गया तो not in your control you have to be you have to try to be in that 8% or that 11% group 2 31% bhi aaye the so you keep preparing that is what you can do that is what you continue to do not sure about preparation sir abhi to classes chal rahi hai abhi ek hi group hua hai do group likhu nahi likhu अगर आज अभी आप ऐसे सिचुएशन में हो कि अगस्त थर्टी तक या सितंबर टेंथ तक आपका एक ग्रुप कंप्लीट हो जाना चाहिए proper revision, at least. तब आप सेकेंड ग्रुप का दो पेपर उठा के पढ़ाई चालू कर सकते हो लेटेस्ट तक से पोजिशन चाहिए ग्रुप पढ़ो अगर आप दोनों ग्रुप के फॉर्म्स भी भरने वाले हो तो भी एक ग्रुप पढ़ो उसको कंप्लीट करो ऐसा नहीं कि दो पेपर इसके दो पेपर उसके देन यू आर नॉट लेफ्ट इधर वेज एक कंप्लीट करो बी श्योर एंड माइंड चलो एक हो गया आप उसको रिवाइज करते रहेंगे एंड फिर आप सेकंड ग्रुप को उठाओ आइडियली 25th या तक एक ग्रुप कंप्लीट करके सेकंड ग्रुप की रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए नहीं हो रही है तो ऑगस्ट थर्टीएथ मैथ उससे लेट हो रहा है देन यू जस्ट नीड टू री एवेल्यूएट वेदर आई शुड गिव बोथ द ग्रुप नॉट फॉर्म भर दो इट इज जस्ट अबाउट अ फ्यू हंड्रेड रुपीज एक्स्ट्रा फॉर्म भर दो अगर डाउट है आपको दोनों ग्रुप्स के भर दो एंड देन वी कैन टेक अ कॉल लेटर ऑल्सो सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग में नहीं बैठ रहा है क्यों पढ़ रहे हैं मैं स्टूडेंट शॉक हो गया मैं सुन के सर नहीं सर हम फास्ट पढ़ लेते हैं सर कैसे फास्ट पढ़ते हो मैं देख लेती हूँ सर समझ मैं ऐसा ऐसा ब्राउज थ्रू कर लेता हूँ सर आई डू एन ऑडिट एंड मुझे तब लगता है सब कुछ आ रहा है फिर जब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ या लिख रहा हूँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब तो कुछ नहीं आ रहा है ऑब्बियसली गाइज दैट इज द रॉन्ग वे टू स्टडी यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि आप जब बुक देखकर ऑडिट कर रहे हो तो आपको सब कुछ आ रहा है तो बाद में भी आएगा आपका माइंड रिकॉल टेक्निक एक्टिव मेमोरी रिकॉल आप जब कुछ देख कर पढ़ते हो तो आपको हमेशा लगेगा कि अरे हाँ ये तो मेरा मेरे को आता है क्योंकि आपका ब्रेन बोल रहा है कि हाँ हाँ ये तो आता है आपने देखा हुआ है जैसे ही बंद करोगे ब्रेन से गायब हो जाएगा ऑलवेज यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस विदाउट सीइंग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो चाहे वो थियोरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर हो इफ यू जस्ट ऑडिटेड कि हाँ ओके फाइन 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 आता है एग्जाम में नहीं आएगा एग्जाम में यू विल बी ब्लैंक अपने हाथ से करो सॉल्व करो उसको तब आपके दिमाग में बैठेगा टेक अ ग्रुप एट अ टाइम वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं नॉट श्योर अबाउट प्रिपरेशन में तो टेक अ ग्रुप एट अ टाइम वो हो जाएगा आई कीप फॉर गेटिंग बोट आई स्टडी सर मैंने अच्छे से रिवाइज भी लिख भी लिया है कॉन्सेप्ट भी समझ लिया लेकिन मैं फिर भूल जा रहा हूं क्यों क्योंकि आप रिवाइज कॉन्स्टेंटली नहीं कर रहे हो सबसे बड़ा मिसकनसेप्शन आई एम आई एम यू नो सुपर सैड इट इज टेरिफाइंग टू हियर स्टूडेंट्स पता नहीं उनके दिमाग में कहां से आया इनफैक्ट टीचर्स आर टेलिंग देम दिस कि आपको चार रिवीजन करने पड़ेंगे आठ रिवीजन करने पड़ेंगे नहीं तो आप पास नहीं होगे आपको रिवीजन के लिए लास्ट में टाइम निकालना होगा व्हाट नॉनसेंस यू रिवाइज एवरी सिंगल डे क्यों आपको लास्ट तक वेट करना है रिविजन करने का और कहा लिखा है कि चार रिविजन वाले पास होंगे और दो रिविजन वाले पास नहीं होंगे स्टूडेंट्स इसी एंग्जाइटी में चल रहे हैं कि सर तीन रिविजन चार रिविजन किसी टॉपर ने बोला है कि करना ही पड़ेगा नहीं तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे जल्दी पता चलती है, किसी को लेट पता चलती है. कोई, एक attempt, एक में कर लेता है कोई दस रिविजन में भी नहीं कर पाता है अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ रिवाइज डेली हर दिन जब आप आठ से दस घंटे पढ़ रहे हो दो घंटे निकालो उसमें से जहां पर आप शाम में बैठ के रिवाइज कर रहे हो वो टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हो जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं जो आप भूल रहे हो कंटिन्यूस रिविजन अगर आप करोगे आपके दिमाग में वो चीज ज्यादा बेटर बैठेगी एंड आपको लास्ट मिनट पे प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे इतना रिविजन करना है अभी तक तो रिविजन नहीं हुआ मैं कैसे क्लियर करूंगा एग्जामिनेशन यू हैव टू बी बीट स्मार्ट ऑल्सो इन योर स्टडीज आठ से दस घंटे आपको देने पड़ेंगे प्रोडक्टिवली आज की तारीख में तीन से चार घंटे से कुछ नहीं होने वाला है दैट मान के चलो आप जिसकी ऑफिस है वो सुबह शाम बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़े आई नो इट्स डिफिकल्ट बट इफ यू हैव टू क्लियर इट देन देर इज नॉट मच सर आप तो इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हो देन डोंट राइट द एग्जामिनेशन और कोई आपके पास सोल्यूशन है और चार घंटे अपन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो वो बताओ छुट्टी नहीं मिल रही सर लास्ट मंथ में मिलेगी देन पांच बजे उठो आठ बजे तक पढ़ो हाँ सर स्ट्रेस हो रहा है दो महीने स्ट्रेस होगा अब थोड़ा सा ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी को थोड़ा सा कम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लेकिन क्लियर करने के यही ऑप्शन है यही तरीके हैं जो आपको हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा बात अच्छी नहीं लगेगी लेकिन सच्ची जरूर है पॉइंट ब्लैंक है टू द फेस है बट आप जब क्लियर करोगे ना एग्जामिनेशन तब आप इसी चीज को याद करके थैंक्स बोलोगे कि सर आपने उस टाइम थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था अच्छा नहीं लगा था सुनने में लेकिन कैसे कैसे हमने इंप्लीमेंट किया एंड आप उसके हम पॉजिटिव रिजल्ट देख रहे हैं इट इज ऑन यू मेरा काम है मैं आपको ऐसे कंटिन्यूअसली गाइड करता रहूंगा आप सब्सक्राइब करके रख लो बेलाइकन दबा लो छोटी छोटी वीडियो हर तीन चार दिन में आती है मैं रोज के रोज वीडियोस नहीं डालता आपको डिस्टर्ब करने के लिए तीन दिन चार दिन में वीडियोस डालता हूं ताकि आपको हर तीसरे चौथे दिन एक पुश मिल जाए एक नज मिल जाए और आप आगे बढ़ते रहो कमेंट करके बताना आप लोगों की इसमें से कोई प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हुई या और कोई प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियोज में मैं क्यूरेट करके कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वेरी बेस्ट